उसके प्रिवेंशन के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है यहां पे स्टेप्स भी उठा रही है सो द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ द होल मार्किंग स्कीम आर टू प्रोटेक्ट द पब्लिक अगेंस्ट द फ्रॉड ऑफ एडल्टीरेशन एंड टू ओबलाइज मैन्यूफेक्चरर्स टू मेंटेन लीगल स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेस सो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहां स्टेप्स उठाए हैं उसमें से ही एक स्टेप है कि होल मार्किंग स्कीम को लाना तो so, जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे होल मार्किंग स्कीम को लाने का वो है कि पब्लिक को क्या किया जाए पब्लिक को यहाँ पे बचाया जाए जो मिलावट का फ्रॉड होता है उससे और साथ ही साथ यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स को मोबालाइज किया गया है कि आपको क्या करना है आपको स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंस को मेंटेन करना है और ये क्या है ये एक लीगल स्टैंडर्ड है सो so, यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वाई इज इट नेसेसरी टू चेक द मार्क्स ऑन ज्वेलरी सो ये जरूरी क्यों है कि ज्वेलरी में हमें मार्क को चेक करना चाहिए सो so, अब हम देखेंगे इसका आंसर सो so, इट इज नेरी टू चेक द होल मार्क्स ऑन ज्वेलरी Because Hallmarks are the standardized. Marks which ensures that purchased product of. गोल्ड रियल चेक द होलमार्क्स ऑन ज्वेलरी बिकॉज होलमार्क्स आर द स्टैंड मार्क्स विच इंश्योर्स डेट परचेज प्रोडक्ट ऑफ गोल्ड इज प्योर एंड रियल सो होल मार्क्स को ज्वेलरी पर चेक करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हॉल मार्क्स क्या है हॉल मार्क्स एक मार्क्स है जो यहाँ पे इंश्योर करता है कि जिस गोल्ड को आपने क्या किया है परचेज किया है वो कैसा है वो एकदम प्योर और रियल है सो यही वो कारण है कि हमें हॉलमार्क को क्या करना चाहिए हमें ज्वेलरी लेते टाइम हॉलमार्क को चेक करना चाहिए लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही आज डाउनलोड करें डाउट नेट या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर